दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा करेक्टर को बना के दिखाऊंगा जो हमारे बचपन को बहुत ही अच्छा और सुंदर बना के रखा है अपने एक्टिंग के दम पे। तो दोस्तों, आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि मैं मिस्टर बीन की बात कर रहा हूँ, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरीके से इसको स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करना है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, मैं इस ड्राइंग को बनाने के लिए 200 GSM वाला ब्रूस्टो ड्राइंग पेपर यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों, इस ड्राइंग का शेडिंग बनाने के लिए मैं स्टेडलर का पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और मैं यूज़ करूँगा मैकेनिकल पेंसिल, नीडेबल इरेजर, मोमोनो इरेजर, और एक ब्रश का यूज़ करूँगा ब्लेंडिंग करने के लिए। सबसे पहले दोस्तों, मैं आँखों से शुरू करूँगा, और आँखों को देने के लिए मैं पहले 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद धीरे धीरे डार्क पेंसिल का यूज़ करके डार्क करूँगा। बेसिकली दोस्तों, आंखों के पुतलियों के ऊपर का जो पोर्शन है वो वाला डार्क होता है, तो यहाँ पर मैं डार्क कर दूंगा डार्क पेंसिल का यूज़ करके। जिस जिस पोर्शन पे दोस्तों हाईलाइट है उस पोर्शन को हाईलाइट कीजिए। यहाँ पर टॉम्बो मोनो इरेजर का मैं यूज़ कर रहा हूँ हाईलाइट करने के लिए। तो जब भी आप कोई भी रियलिस्टिक ड्राइंग बना रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पिक्चर को अच्छे तरीके से देखना है। जो भी पोर्ट्रेट आप बना रहे हैं उसको अच्छे तरीके से देखेंगे, तभी आप ड्राइंग को बना सकते हैं अच्छे तरीके से। और दूसरी बात जो है, आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखना है। आपका पेशेंस अगर नहीं होगा तो आप ड्राइंग नहीं बना सकते। एक एक पार्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से धीरे धीरे बनाइए, डिटेलिंग करके बनाइए। और जब भी आप किसी भी पोर्शन को डिटेलिंग करेंगे तो आपका पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा उस टाइम पे। दोस्तों, मैंने आईब्रोज़ को देने के लिए सिर्फ मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ किया है, क्योंकि मैकेनिकल पेंसिल जो है बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है, इसीलिए बहुत ही अच्छे तरीके से आप छोटे छोटे पोर्शन को दे सकते हैं। तो स्किन टोन को देने के लिए मैंने सिर्फ 3 पेंसिल का यूज़ किया है, HB, 2B और 4B। इस 3 पेंसिल की मदद से मैंने स्किन टोन को बनाया है, और जिस जिस पोर्शन पे डार्क है उस पोर्शन पे मैंने 4B का यूज़ किया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मैंने रिंकल्स के लिए 4B का यूज़ किया है सिर्फ। मिस्टर बीन के फेस पर जो रिंकल्स है उसको आपको ध्यान से देख के बनाना है, और जो डायरेक्शन है रिंकल्स का उसको भी ध्यान से देख के ही देना है, नहीं तो जो ड्राइंग है वो रियलिस्टिक बिल्कुल भी नहीं लगेगी। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है रिंकल्स के ऊपर हाईलाइट को नहीं देते हैं, तो उन लोगों को मैं बोल देता हूँ कि हाईलाइट को ज़रूर देना है, नहीं तो अच्छा नहीं दिखेगा ड्राइंग। दोस्तों, नाक के ऊपर हाईलाइट जो है बहुत ही ज़्यादा होता है, इसीलिए मैं टॉम्बो मोनो इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ हाईलाइट को देने के लिए। और दोस्तों, हमारा स्किन जो है छोटे छोटे सेल्स से बना होता है, उन सेल्स को दिखाने के लिए मैं डॉट करके इरेज कर रहा हूँ नीडेबल इरेजर और टॉम्बो मोनो इरेजर का यूज़ करके।
आप में से दोस्तों बहुत सारे लोग जानते होंगे बियर्ड को शेव करने के बाद स्किन के ऊपर एक डॉट रह जाता है बियर्ड का, उस बियर्ड को दिखाने के लिए मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करके दिखा रहा हूँ, मतलब कि दोस्तों छोटे छोटे डॉट्स का यूज़ कर रहा हूँ। स्किन टोन से दोस्तों बहुत ज़्यादा डार्क होता है हेयर का पोर्शन, तो हेयर को देने के लिए मैं थोड़ा सा डार्क पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं 6B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ बालों को देने के लिए, और बालों का जो डायरेक्शन है उसको अच्छे तरीके से देख के बनाइए आप लोग। दोस्तों जिस जिस पोर्शन पर डार्क है उस पोर्शन को आप डार्क कीजिए, और सेम पेंसिल का यूज़ करके भी आप डार्क कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा कोई डार्क पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। शर्ट का जो पोर्शन है दोस्तों उसको देने के लिए मैं फिर से लाइट पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं HP पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ पहले, उसके बाद धीरे धीरे जिस जिस पोर्शन पे डार्क है उस पोर्शन को डार्क बना रहा हूँ। दोस्तों कोट का जो पोर्शन है शर्ट से बहुत ज़्यादा डार्क है, इसलिए मैं डार्क पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, और कोट पे टेक्सचर भी है बहुत सारा, तो आप लोग देखिए मैं किस तरीके से इसको बनाता हूँ। अभी दोस्तों मैं फिक्सेटिव का यूज़ करके ग्रेफाइट को अच्छे तरीके से पेपर पे सेट कर देता हूँ। दोस्तों इस ड्राइंग को बनाने में मुझे पूरा 2 दिन का टाइम लग गया है, और इसका जो फेस है देख सकते हैं आप लोग, इसका फेस को बनाने में मुझे 1 दिन पूरा लग गया है। तो कमेंट पे ज़रूर बताना कि ड्राइंग किस तरीके का बना है, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अभी तक मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो सब लोगों को आसानी से मिलती रहे।